जच रहा है ना भाभी। लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। पिछले दो महीनों से मैं पागलों की तरह तुझे कांटेक्ट करने लगी हूँ। यूनिफॉर्म पहन रखी है। जवाब तक नहीं दिया। क्यों कहाँ से जवाब देता? दो तीन महीने बेस में नहीं था। बेस में नहीं थे? कहाँ थे तुम? वो बॉर्डरलाइन पे उड़ान भर रहा था। एक्साइटिंग न खाया न पिया न किसी बात का होश। एक्साइटिंग। और जो जरूरी बात मुझे तुमसे करनी थी उसका क्या? वैसे मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तो कहो बको। सबके सामने। यू आर राइट। चलो। अरे उसे कहाँ ले जा रही है? अभी अभी तो आया। कपड़े बदल लेने दे। कुछ खा भी नहीं। अभी इमरजेंसी है। तू चल अंदर। मेरे साथ चल। सुन तो। अरे मेरी यूनिफॉर्म की टाई खराब। अरे यार ये बैट को संभालो। अब कहो क्या कहना था? पहले तुम कहो। नहीं पहले तुम। नहीं पहले तुम। राज मुझे लगता है हम दोनों ने एक ही बात बोली है। एक काम करो पहले तुम बोलो। बिकॉज लेडीज फर्स्ट। कम ऑन। ओके लेकिन मेरी बात जरा लंबी है। ओके मैं सो जाता हूँ। सारी उम्र पड़ी सोने के लिए। बोलो। अच्छा बहुत ही मजे की बात है और इतनी अजीब कि तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा। अभी शिमला में हम लोगों ने शो किया था ना दो महीने पहले। तभी की बात है। क्या हुआ कि द शो वाज अ ग्रेट सक्सेस और शो के बाद हम लोगों ने क्या नाचा गाया धूम धड़ाका मचाया। और फिर जो मैं घोड़े बेच के सोई तो अगली दोपहर जब आंखें खुली मैंने देखा कि सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। वैन वालों ने सोचा मैं बस में हूँ। बस वालों ने सोचा मैं वैन में हूँ। और इसी कंफ्यूजन में मैं वही रह गई। और यार उसी दिन अगला शो था मनाली में। मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे तो समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। कि तभी मैंने देखा कि होटल के लॉन के सामने एक हेलीकॉप्टर उतर रहा है। Excuse me. Yes, ma'am. ये चॉपर किसका है? मिस्टर करण सिंघानिया का। हाँ। क्यों? नहीं बस यूं ही। थैंक यू। हेलो कैप्टन। यस। मेरा नाम काजल है। मैं आपकी बॉस की दोस्त हूँ मिस्टर करण सिंघानिया की। ओह प्लीज टू मीट यू मिस काजल। एक्चुअली करण और मैं साथ मनाली जाने वाले थे। मैं शो कर रही हूँ वहाँ पे। वो शो का चीफ गेस्ट है शायद आपको पता हो। जी हाँ। तो आप रुकने वाले हैं या? जी नहीं मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। तो मनाली रास्ते में है आप मुझे छोड़ के चले जाइए। देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मेरे बॉस को मालूम पड़ा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। व्हाट रबिश। तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं करण से बात कर लूंगी। देखिए मिस काजल वो। अरे उल्टा तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं करण से आपकी सिफारिश करूंगी। यू कुड गेट प्रमोटेड। ठीक है? ठीक है। ओके सो आई विल ब्रिंग माय लगेज। वेट हियर। हां भागना मत। नहीं भागूंगा। और मजे की बात तो ये है कि मेरा ब्लफ काम कर गया और मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर मनाली के लिए रवाना हो गई। लेकिन रास्ते में क्या देखती हूँ कि वो पायलट मुझे तिरछी नजरों से देख रहा है। कुछ देर तक तो मैंने बर्दाश्त किया लेकिन फिर मैंने झाड़ दिया। क्यों पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। फिर क्या हुआ? मनाली पहुँचते ही मैंने उस कमल की ठुकाई की। कमल कौन? अरे वही जिसकी पैंट उतार के तुमने पीटा था। अच्छा लेकिन असल मजे की बात कुछ और है राज। गेस अवार्ड फंक्शन का चीफ गेस्ट कौन? कौन? करण सिंघानिया। वो हेलीकॉप्टर का ओनर। अरे वो ओनर ही हेलीकॉप्टर का पायलट निकला। क्या बात कर रही है? यार राज मेरे तो होश ही उड़ गए। जब ऑर्गेनाइजर ने उसे स्टेज पर बुलाया वो सामने आकर खड़ा हो गया। मिस काजल इस प्ले की डायरेक्टर भी यही है एंड आवर चीफ गेस्ट मिस्टर करण सिंघानिया। आई होप आप मेरी सिफारिश मेरे बॉस से जरूर करेंगे। मिस्टर ईश्वर सिंघानिया। दिस इज फाउल। एब्सोल्यूट ब्लेटेंट फाउल। आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आप ये नहीं बता सकते थे कि आप ही करण सिंघानिया हैं? आपने बोलने का मौका कहां दिया? मतलब मैंने आपके मुंह पे टेप चिपकाया था क्या? ओह माय गॉड। और मैं तो ये समझ रही थी कि आपने मुझ पर एहसान किया लेकिन दिली दिल में आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था बल्कि एनीवे फॉरगेट इट। आई एम सॉरी कि उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला। अरे झूठ कहां बोला। द फैक्ट इज कि आप तो दोस्त बन गई हैं करण सिंघानिया की। क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? क्या मैं आपको वापस शिमला छोड़ सकता हूँ? जी नहीं मैं शिमला वापस जा ही नहीं रही हूँ। मैं वापस अपने घर जा रही हूँ देहरादून। वो तो रास्ते में ही पड़ता है। रियली रियली। और वाकई करण मुझे यहाँ तक छोड़ने आया। पर जब हमारा हेलीकॉप्टर ग्राउंड पे उतरा तो सारे के सारे लड़के दौड़ आए। मंजीत अनुराग रमन और सारे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। और जब मैंने करण से थैंक यू कहा तो उसने कहा अरे यहाँ तक पहुँचाया कप कॉफी भी नहीं मिलाओगी। तब हमने मंजीत की साइकिल ली घर वापस जाने के लिए। यहाँ तो बड़ा रुआब है तुम्हारा। और नहीं तो क्या सब दोस्त है मेरे। इनमें से कोई खास दोस्त भी है? है ना
लेकिन अभी वो एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए गया है। राज नाम है उसका। राज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, बचपन से दोस्ती है हमारी। ही इज अ ग्रेट गाय, सो सिंपल एंड सो अनअस्यूमिंग। बहुत चाहता है मुझे, जान छिड़कता है मुझ पे। जब हम घर पहुँचे तो मम्मी पापा तो हक्के बक्के रह गए करण को देखकर। करण ने भी सबका दिल जीत लिया। वो सबको बहुत प्यार से मिला। उसने बीजी, मम्मी, पापा सबके पांव छुए। और तो और जीआई जो के भी। बीजी के घुटनों के दर्द के लिए उसने आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बताए। डैडी के कैंटीन के लिए लेफ्ट ओवर से बनने वाली एक इटालियन रेसिपी बताई। और मम्मी के साथ तो किचन में घुस के खुद पतोड़िया बनाई। ये लीजिए अंकल। वाह बेटे वाह, इतने सालों से मैं पता ही नहीं चला कि घर के बाहर इतनी अच्छी पत्तियाँ उगती हैं। पकौड़ियों के लिए? पतोड़ियों के लिए। हाँ हाँ पकौड़ियों के लिए। अरे नहीं आंटी, पतोड़ियों के लिए। पत्तों से बना है वो वर्ड पतौड़ी। ये एब्सोल्युटली राइट। ये आप भाई वाह। और फिर करण के इनविटेशन पे पापा उनके घर भी जाकर आए। जब वापस लौटे तो बोले कितने बड़े लोग, लेकिन कितने भले और कितने सीधे, यकीन ही नहीं हुआ। और फिर एक दिन नाराज करण मुझे अपने साथ फ्लाइंग क्लब ले गया, जहाँ उसके सारे जहाज लाइन में खड़े हुए थे। बोलो कौन से जहाज में बैठोगी? वो रेड वाला क्या कहलाता है? वो सेसना 172। उसी में। चल। वो मुझे उसी बड़े जहाज में बिठाकर बादलों के पार उड़ा ले गया। क्या नजारा था, तुम सोच भी नहीं सकते। सच राज, मैंने पहले कभी ऐसे बादल नहीं देखे थे। और फिर उसने कहा, काजल Will you marry me? तो काजल तुमने क्या कहा? क्या कहती? मेरा दिल धक 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 कर रहा था। सच, उस वक्त तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने सोचा काश मेरा राज यहाँ होता तो मैं उससे पूछ के फौरन जवाब दे देती। मैंने करण से भी यही कहा। क्या कहा? कि राज से पूछे बगैर मैं हाँ या ना नहीं कह सकती। काजल अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो तुम करण से शादी नहीं करोगी? नहीं करूंगी, प्रॉमिस। लेकिन तुम एक बार उससे मिल तो लो, बहुत अच्छा लड़का है। तुम मिलोगे तो ना कह ही नहीं पाओगे सच्ची। अच्छा मैंने तो तुम्हें अपनी शादी की बात बता दी, अब तुम कहो तुम्हें क्या कहना था। अरे मुझे भी तो तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी थी। अच्छा कब मिल सकते हैं उसे? सच? I love you, Raj. I love you. Me too. उसे आज के आज मिल लेंगे। अरे आज के आज छोड़ो, अभी के अभी मिल लेंगे।